सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीबी भुवन बैम और दिव्या दत्ता की प्लस माइनस शॉर्ट फिल्म के बारे में। वेल, तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि आज के दिन बीबी के यूट्यूब चैनल पर एक शॉर्ट फिल्म रिलीज की गई है जिसका नाम है प्लस माइनस, और इस शॉर्ट फिल्म को डायरेक्ट किया है ज्योति कपूर दास ने, जिन्होंने इसके पहले चटनी शॉर्ट फिल्म को डायरेक्ट किया है, और साथ ही साथ इन्होंने बोस डेड और अलाइव के एपिसोड भी लिखे है। ऐसे में ये इनकी दूसरी शॉर्ट फिल्म है। वेल, तो शॉर्ट फिल्म का मतलब ये होता है कि कम समय में हमें काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज देना। अब वो सभी मैसेज किस पर भी हो सकते हैं, चाहे एग्जाम्पल के तौर पर करप्शन, किसानों की आत्महत्या, चाइल्ड अब्यूजिंग, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, और उनमें से इस फिल्म का टॉपिक है आर्मी वालों का। और डेफिनेटली मुझे पता है कि इस बारे में काफी लोगों को नहीं पता था, हालांकि मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था कि बाबा हरभजन सिंह है कौन, लेकिन इस शॉर्ट फिल्म को देखने के बाद मुझे उन सभी चीजों के बारे में साफ साफ पता चल गया, और मैंने नेट पर जाकर काफी रिसर्च की, जैसा इस शॉर्ट फिल्म की एंड में बताया गया है। तो अब ज्यादा डिटेल के लिए जाकर आप उस शॉर्ट फिल्म को देख लीजिए, क्योंकि काफी छोटी फिल्म है, वो भी काफी क्यूट मैसेज के साथ। मैसेज ये कि आज की तारीख में सभी लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है ये जानने में कि करीना कपूर का बेटा तैमूर क्या खाता है, क्या पीता है, और बाकी बच्चे लोग ये जानने में कि कौन सी एक्ट्रेस का कौन से एक्टर के साथ में ब्रेकअप हुआ है, लेकिन किसे भी ये नहीं इंटरेस्ट कि देश में क्या चल रहा है, आर्मी वालों के साथ में क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि गलती हम सबकी भी नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि न्यूज पर क्या दिखाया जाता है। आज की तारीख में सारे न्यूज वाले एक ही खबर को रबड़ की तरह तानने में लगे हुए रहते हैं, और ज्यादातर तो वो लोग फोकस उसी चीज पर करते हैं जिसकी टीआरपी ज्यादा है, और जिसकी टीआरपी नहीं है उस न्यूज को उठाकर वो लोग बस टॉप 10 की लिस्ट में डाल देते हैं और अपना पल्ला छुड़ा लेते हैं कि वो लोग हर एक न्यूज कवर करते हैं। खैर, तो अब मैं सोशल मैसेज पर बात करने लगूंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है। बात करते हैं उस शॉर्ट फिल्म प्लस माइनस के बारे में। तो इस शॉर्ट फिल्म की सबसे खास बात ये है कि इसकी स्क्रिप्ट को काफी अच्छी तरीके से लिखा गया है, और लिखने का काम भी ज्योति कपूर दास ने ही किया है। और अब आ जाए स्टोरी पर, तो ज्यादा स्टोरी की डिटेल तो आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है, उसके लिए आपको जाकर ये शॉर्ट फिल्म भी देखनी पड़ेगी। तो इस शॉर्ट फिल्म की स्टोरी शुरू होती है ट्रेन से, जो जा रही है दिल्ली से जालंधर, और उस ट्रेन में बैठे हुए हैं दो अजनबी, जिनमें से एक कैरेक्टर है दिव्या दत्ता का और दूसरा भुवन बाम का। और दिव्या दत्ता अपनी सांस से परेशान है, और वो अपनी टेंशन बताती है भुवन बाम के कैरेक्टर हरभजन को, जिसके बाद ये लोग बैठकर ट्रेन में डिस्कशन करते हैं अच्छी बातों और बुरी बातों का, और इन्हीं सबको मिलाकर इस फिल्म का टाइटल निकल कर आता है प्लस माइनस, यानी अच्छी बातें प्लस में और बुरी बातें माइनस में। और साथ ही साथ हमें ये भी बताया जाता है कि जब बॉर्डर पर कोई आर्मी वाला अपने घर वालों से कांटेक्ट नहीं कर पाता है तो वो लोग चिट्ठियों के जरिए ही अपने घर वालों को कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर फोन और मोबाइल अलाउड नहीं है सभी आर्मी वालों को। तो एक छोटा सा मैसेज देकर ये शॉर्ट फिल्म खत्म हो जाती है। और आखिर में बात रही मेरी रेटिंग की, तो मैं इस शॉर्ट फिल्म को दूंगा बी, और आपसे भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस शॉर्ट फिल्म को जरूर देखें, क्योंकि ये यूट्यूब पर अवेलेबल है। वेल, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है प्लस माइनस शॉर्ट फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बस, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।